कस्बा शेरगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर व्यापारियों द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें व्यापारियों ने इस कानून को देशवासियों के हित में बताते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कहा। कस्बा शेरगढ़ के मेन बाजार स्थित डॉक्टर तिवारी मीटिंग हॉल में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में शेरगढ़ कस्बे में व्यापारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग में अमित वाष्णेय ने बताया कि ये मीटिंग नागरिकता संशोधन बिल के बारे में की गई है, जिसमें शेरगढ़ के सभी व्यापारियों को बताया गया है कि ये कानून सभी देशवासियों के लिए उनके हित में है। इस बिल से किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं है। वहीं सभी व्यापारियों को ये जानकारी सभी लोगों में साझा करने की बात कही। क्या नाम है सर आपका? अमित वाष्णेय नाम है। सर, आज आपके द्वारा जो शेरगढ़ कस्बे में मीटिंग हुई है, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी वर्तमान में नागरिकता संशोधन जो बिल आया है, उसके संदर्भ में एक जागरूकता अभियान चला रखा है। जो हम बूथ लेवल तक उस अभियान को लेकर जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आज यहाँ व्यापारियों के और वैश्य समाज के लोगों के साथ में और अन्य बाकी और समाजों के मध्य में आज जाने का मुझे अनेक अवसर मिला। और वर्तमान में आज ये मीटिंग जो की गई, काफ़ी सफल मीटिंग शेरगढ़ की, ये मीटिंग काफ़ी सफल रही। और नागरिकता संशोधन बिल के बारे में बताया गया कि ये जो बिल है आप लोगों के हित में है, ये कहीं भी अहित में नहीं है। ये नागरिकता देने वाला बिल है, नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है। इसलिए जो दो या तीन परसेंट लोग भ्रमित हो रहे हैं, उनको आप लोग अपने स्तर से समझाएं। और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि इस बिल के अच्छाइयों के बारे में हम जहाँ तक इसको बात को ले जा सके वहाँ तक हमें ले जाना चाहिए, और इस बिल का हमें पूर्ण जोर समर्थन करना चाहिए। और आगे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो अच्छे कार्य कर रही है, उसके बारे में भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। और अति शीघ्र मैं वापस एक बार दोबारा फिर आऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ 23 तारीख को आगरा में जो रैली होने वाली है, वो काफ़ी भव्य रैली होने वाली है। उसके बारे में सभी लोगों से आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में वहां पर पहुंचने का कष्ट करें।